जैसा हरामी आदमी दुनिया में नहीं देखा है। कितने के होंगे ये रेड सॉलिटेयर? 50 करोड़ के होंगे। कितने के? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुकद्दर का सिकंदर, ये मूवी सबने देखी हो। अब आ रही है सिकंदर का मुकद्दर नेटफ्लिक्स पे। बहुत बड़े बड़े कलाकार इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए पहले हम ट्रेलर को स्टार्ट करते मैंने आपके जैसा आरामी आदमी दुनिया में नहीं देखा है। कितने के होंगे ये रेड सॉलिटेयर? 50 करोड़ के होंगे। कितने के? 60 करोड़ के भी हो सकते हैं। मूल वृद्धि का मतलब समझता है क्या? इंस्टिंक्ट। और इंस्टिंक्ट या तो होता है या फिर नहीं होता है। मेरा सॉलिड है इंस्टिंक्ट। आरोपी नंबर 1 मंगेश देसाई, आरोपी नंबर 2 कामिनी सिंह, आरोपी नंबर 3 सिकंदर शर्मा। आइए, मुझे हीरो के बारे में कुछ नहीं पता सर। हम यहाँ से दूर जाएंगे तो ही पीछा छूटेगा इस सबसे। आपका पप्पू मिल गया सर, आगरा में। अब पुलिस बोल रही है कि तुम दोनों एब्सकॉन्डिंग हो। चोर नहीं हम लोग। अब उधर भी जाएगा। कैसे हो शर्मा जी? कौन भाई साहब बोल रहा है? इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह। तुम्हें जसविंदर ने मेरे पीछे लगाया है। एक तो ये आदमी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, पीछा नहीं छोड़ा। और अब किस जसविंदर? मेरा धंधा बंद हुआ आपकी वजह से, मुझे घर छोड़ना पड़ा आपकी वजह से, शहर छोड़ना पड़ा। 15 साल मैं मुंबई से बाहर रहा हूँ आपकी वजह से। सब पता है मुझे। घंटा बताया तो मैंने तुम्हें मरने भी नहीं दिया सिकंदर। तुम्हारी बायोपिक का टाइटल है सिकंदर का मुकद्दर। सिकंदर का मुकद्दर और उसका डायरेक्टर हूं मैं। टेलर ने तो सोचने पे मजबूर कर दिया। इस टेलर को तो देख के लग रहा ना कि जो हीरे चोरी हुए ना 50 करोड़ के, वो कहते हैं 60 करोड़ के, वो तो लगता है जिम्मी शेरगिल ने ही चोरी की है। पर टेलर ऐसा नहीं कह रहा था, शायद हम गलत थे। क्योंकि वो तो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, वो पूछते हैं सच्ची भगवान की कसम खा के, बोलो मैं कैसा इंस्पेक्टर हूँ? कहता बहुत हरामी इंस्पेक्टर हो तुम। मतलब धमाकेदार डायलॉग है इसमें। वो कहते हैं कि आपने 15 साल हमको हमारे बम्बई से दूर रखा, हम 15 साल बम्बई से बाहर रहे, आपने हमको जीने नहीं दिया। तो जिम्मी शेरगिल कहते हैं हमें तुम्हें मरने भी नहीं। तो बहुत अच्छे अच्छे चुन चुन के डायलॉग इस मूवी में डाले गए हैं। बहुत अच्छी होगी मूवी। नाम ही ऐसा, सिकंदर का मुकद्दर। हीरे चोरी होते हैं वो तमन्ना भाटिया चुराती हैं, नाज तिवारी चुराते हैं। हीरे जब चोरी होते हैं तो तमन्ना भाटिया वहीं पर थी, क्योंकि वो उसी शोरूम में नौकरी कर रही थी। 5 हीरे थे और वो भी रेड कलर के थे। जिम्मी शेरगिल की निगाह में, क्योंकि वो स्वेटर है, उनके निगाह में जो हीरो का मालिक था वो भी चोर है। तमन्ना भाटिया भी है चोर, और अविनाश तिवारी भी है। अविनाश तिवारी पहले तमन्ना भाटिया को लेके आगरा चले जाते, उसमें ताजमहल भी दिखाया गया, पर वो उनको अब वहीं पता लगा लेते हैं हीरे ने चोरी की है अविनाश तिवारी ने, इसीलिए वो विदेश चले जाते हैं। और वो वहाँ भी पता लगा लेते हैं, कहते कौन, तो वो अपना नाम बताते हैं स्वेटर। फिर वो गुस्सा जाते हैं, फिर वो आते हैं, क्योंकि उन्होंने चोरी नहीं की होती है ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते। पर जब लास्ट में जो सीन दिखाई गई ना, उसको देख के तो ये लग रहा था कि तमन्ना भाटिया और जिम्मी शेरगिल ने ही चोरी की है और फंसा दिया अविनाश तिवारी को। 2 मिनट 28 सेकेंड का टेलर था। टेलर बहुत बहुत मजाक, 2 मिनट 28 सेकेंड का जो टेलर था ना, वो बहुत मजाकिया भी था, सस्पेंस से भी भरा था। क्योंकि ये कहानी है जिसमें
कितना दर्द सिर्फ एक इंसान को मिलता है, और वो इंस्पेक्टर होते हैं, उनका काम ही होता है खोजना। वो हीरे खोज पाते हैं कि नहीं खोज पाते, क्या हीरे होने के पास हैं, या वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे। लास्ट में तमन्ना भाटिया दिखाई नहीं है, पहले दिखाई जा रही थी। क्या अब नाश तिवारी जान जाते हैं कि तमन्ना भाटिया और दोनों मिले हुए हैं? मतलब अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी तो नहीं कहें, क्योंकि ये कहानियाँ मैं बहुत बार सुन में जो टेरम दिखाया गया ना, ऐसी कहानियाँ बहुत सारी मूवियों में आई हैं। और ये नेटफ्लिक्स में है, थोड़ी गाली गलौज भी है, तो इसलिए अच्छी लगेगी देखने में। कॉमेडी से भी भरी है, सवाल जवाब जब एक दूसरे से करते तो और देखना ये है कि कौन है मासूम और कौन है मुजरिम। ये हमें 29 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे पक्का देखने को मिलेगा। तब तक आप सब लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है, तमन्ना भाटिया है कि जिम्मी शेरगिल है या अविनाश तिवारी है, कौन इसमें ऐसा इंसान है जिसने 50 करोड़ नहीं 60 करोड़ के हीरे चुराए हैं। बने रहिए हमारे साथ, रिएक्शन वाली वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।